देखो ये तो फोटो ली जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है लेते हुए। आप सुमित नहीं थे इसलिए मैंने आपको दिया था। मैंने कहा था मेरी मेरा डरा हुआ बच्चा बैठा हुआ है क्योंकि इनके पापा ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी है। वो यही सोच रहा कि अगर मैंने गिराई होती हाँ। डरा हुआ बैठा। साथ मिले हैं आप लोग? शादी में है तो शादी में है। पांचवा साल चल रहा है। शादी पास नहीं आए थे। दुबले कितने हो गए भैया? 20 महीने। जिम्मेदारी बढ़ती दिन तुम होता है। अभी डिलीवरी हुई है। काम भी आता है ना। कितने दिन ना? अच्छा। कैसे बैठे काम को? वो पल याद आते होंगे पुराने। हम अपनी जब दोस्तों से बात करते हैं, फ्रेंडों से, तो सिंगल करके दो कॉफी भी प्लान किया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है ठीक है, एक टीवी पैनल यहाँ लगेगी, फिर ये डाइनिंग एरिया 6 सीटर यहाँ पे प्लेस किया है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून, राधे कृष्ण। आशा करते हो सब लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करेंगे, होम टूर कराएंगे अपने घर का, लेकिन अभी इंटीरियर नहीं हुआ है घर का। इससे पहले का होम टूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे और इंटीरियर होने के बाद भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इंटीरियर का काम कैसे करवाना है। पार्टीशन वॉल कर सकते, वॉल क्रिएट नहीं करेंगे, लाइक उससे जैसे पहले से बना आता है ऐसे हाँ। और मैं उठ आपको दिखाती हूँ उसे पार्टी, मतलब थोड़ा पार्टीशन कर देंगे, थोड़ी सी प्राइवेसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काफ़ी टाइम तक डिस्कस हुआ कि हम लोग को इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, और डिस्कस हो गया है। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ काफ़ी टाइम से बैठकर। अब मैं जा रही हूँ बेबी के पास। शाम के 5 बज रहे हैं, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला है। मुझे भूख भी लगी है, बेबी सो गया है, और बेबी मैं जा रही हूँ चाय पीने। पीने के बाद रिलैक्स, फिर इसके बाद जो और भी काम है। मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि इनसे मैं कुछ बातें कर पाऊँ या डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि बहुत बिजी रहती हूँ। दो बच्चे हैं, और जब घर पे दो बच्चे होते हैं तो टाइम इनको भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये बैंक, बैंक से घर, इसके बाद आते हैं तो बच्चों को देखते हैं, तो हम दोनों को ही टाइम नहीं मिलता है। बस आप लोग देख रहे हैं, काम करते करते आपस में जो भी डिस्कस करना होता है वही कर लेते हैं। बेबी सो गया है, बेबी को लटा देती हूँ, इसके बाद मैं जाती हूँ चाय बनाती हूँ, और बैठकर जो भी टाइम होगा तो उसमें डिस्कस कर लेते हैं सब लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इंटीरियर का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो वही डिस्कस कर रहे थे और टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग कंटिन्यू करूँ अपने। मैं इनकी हेल्प करा देती हूँ जिससे ये फ्री हो जाएंगे, और फिर बैठकर हम दोनों चाय पी पाएंगे। हाँ
आज मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि दी आप वीडियो डाला करिए, ब्लॉग आपके डेली देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और मुझे मोटिवेट करने के लिए भी थैंक यू सो मच कि मुझे कहते हैं कि आप ब्लॉग डालिए, आपके ब्लॉग डेली देखते हैं, अच्छा लगता है, आपसे कुछ सीखने को मिलता है। यदि मुझसे आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। टाइम नहीं मिलता है लेकिन आप लोग के प्यार जब मुझे मिलता है ना तो मन करता है ब्लॉग डालने का। आप लोग इतना प्यार करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है इतना प्यार जब करते हैं आप लोग। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी छोटी फैमिली है और हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, कोशिश करते हैं एक दूसरे को टाइम दें, क्योंकि टाइम तो नहीं मिल पाता है लेकिन कोशिश रहती है कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाएँ। हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे। हाँ दादी आई थी और मिट्टी दे दो दादी को मिट्टी दे दो, दादी आशीर्वाद दे रहे, वाह दे दो दादी को। नहीं ठीक है दादी लोग शाम को थोड़ा सा टहलना हो जाता आप लोगों को, सुबह भी आती हैं शाम को, हाँ झूला झूलना इनको। क्या हुआ अभी श्री दीदी उठेगी आप श्री के पास? अच्छा बच्चों को ये भी तो चाहिए तो वही चाहिए, देखिए झूलना है इसको लेके वही चाहिए। हम काफी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं, अकेले बैठने का भी मन करता है। आ रहा है टक्कू आ गया।